हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंदर जब भी आपको स्टॉक समरी देखनी होती है तो आप सीधा गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। ये टैली प्राइम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको मिलता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और फिर यहाँ पर देखिए ये रेशियो एनालिसिस है और यहाँ पर मिलता है स्टॉक समरी। तो देखिए स्टॉक समरी का जो एस है ना वो हाईलाइट है तो आप सीधा क्या करते हैं एस प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपको नजर आता है स्टॉक समरी। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे ये तो बहुत नई कंपनी है लेकिन इसी कंपनी में या फिर किसी अन्य कंपनी में जैसे ये देखिए इंडियन शॉप करके ये कंपनी है तो इसकी अगर स्टॉक समरी पता करनी है तो यहाँ पर आएंगे तो देखिए इसकी स्टॉक समरी हमें दिख रही है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो है स्टॉक आइटम वाइज स्टॉक समरी पता करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्रेस करना है F5। और जैसे ही F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक आइटम वाइज जो इसमें क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको पता चल जाता है। तो देखिए ये सब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है और यहाँ पर जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो पूरा का पूरा डिटेल में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर सारा क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट देखना है तो आपको क्या प्रेस करना है F7 प्रेस करना है कीबोर्ड से और फिर आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉफिट भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको मंथली वाइज देखना है मंथ वाइज देखना है तो F6 प्रेस कीजिए, यहाँ से आपको मंथ वाइज तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी कि आपको कैसे देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्लोजिंग, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक हुआ या क्लोजिंग बैलेंस हुआ ये क्या चीज होती है। तो देखिए जब भी मंथ आप बहुत सारे स्टॉक आइटम आपके पास होता है और मंथ के लास्ट में जो स्टॉक आइटम आपके पास बच जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो यही होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।